हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल, इंग्लिश मीडियम, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 8, फार्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इट्स फीचर्स। इसका मतलब होता है भारतीय संविधान की रचना और उसके लक्षण, मतलब हमारे भारतीय संविधान की रचना किस तरीके से हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स मतलब संविधान का अर्थ क्या है, तो हमें बताया गया है कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए जो हम रूल्स बनाते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ दिस इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या बताया गया है कि जो दस्तावेज होते हैं, जैसे लॉ बनाए जाते हैं कंट्रीज़ के लिए, रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनके प्रोविज़न बनाए जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट है जो रूल रेगुलेशंस बनाती है और वो रूल रेगुलेशंस उनके अंडर में रहकर सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, तो ये बेस्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्री होता है। ओके, चलिए द प्रोसेस, तो हम इसकी प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो हमें प्रोसेस के बारे में बताया है बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, स्वतंत्रता रूप से हम जो अंग्रेज भारत में आए थे उनके प्रश्नों को हम क्या कर सके, दूर कर सके, जिसे यहाँ पे बताया 25 मार्च 1964 में। जैसे कि अब हमें यहाँ पे प्रोसेस देखनी है, तो प्रोसेस में क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है 25 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन पे उन्होंने क्या किया था, जैसे कि मिशन को सौंप दिया था कि हाँ अब ये आपको संभालना है। उसके बाद में उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड किया था कि इसके रूप में तैयार कर हम एक नई चीज़ का, मतलब एक नए स्ट्रक्चर की रचना करेंगे, ये उन्होंने डिसीज़न लिया था। अब उसमें कितने लोग थे, तो देखिए यहाँ पे कितने ऑलरेडी वहाँ पे मेंबर होते, 385 नॉर्मल मेंबर होते, और उसमें देखिए कौन कौन था, जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड वेयर जवाहरलाल नेहरू, उसके अलावा यहाँ पे देखने को मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, HP मोदी, HP कामंत फ्रैंक एंथनी, और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि कन्हैया मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बलदेव सिंह, तथा उसके अलावा भी यहाँ पे जो हमें लेडीज़ देखने को मिली थी वो कौन कौन सी थी, देखिए यहाँ पर वुमेंस जो थी वो थी सरोजनी नायडू, उसके बाद में यहाँ पे विजय लक्ष्मी, जैसे अलग अलग लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। उसके बाद में ये असेंबली तैयार की गई थी जिसमें कि डॉक्टर भीमसेन अंबेडकर थे जिन्होंने मिलकर यह रूल रेगुलेशंस बनाए थे। तो ये पूरे रूल रेगुलेशंस को बनकर जो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरीके के उसमें आर्टिकल्स लिखे जाते, इस तरीके के रूल रेगुलेशन प्रोविजंस बनाए जाते, तो ये नेशनल डॉक्यूमेंट बनके पूरी डिटेल्स के साथ रेडी होता है। चलिए अब आगे यहाँ पे हमको बताया गया है कि किस तरीके से प्रिम्बल, व्हाट इज़ दिस प्रिम्बल, तो प्रिम्बल का मतलब होता है प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव रखना, तो जिसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया द बिंगिंग ऑफ प्रिम्बल, द वर्ड्स रिटन इन द प्रिम्बल हाईलाइटिंग द सॉल्व ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस तरीके से करके वो प्रिम्बल लिया जाता है जिसके अंदर प्रस्ताव रखकर संविधान की आत्मा का सम्मान भी माना जाता है। चलिए यहाँ पे क्या किया गया, एक प्रिम्बल लिया गया, तो प्रिम्बल इस तरीके से लिया जाता है। अब प्रिम्बल देखिए जिसमें 1976 में 42 जिस तरीके से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द में एकता और मतलब बोलते अखंड था, तो ये सारी चीज़ें हमें नेशनलिज्म वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब उसके आगे हम उसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं। तो इम्पोर्टेंस में हमें क्या देखने को मिलता है, तो जैसे इम्पोर्टेंस यहाँ पे लॉ बनाया, रूल रेगुलेशंस बनाए कि किस तरीके से हमें इसको फॉलो करना है, किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, पूरी डिटेल्स लॉ की बताई जाती कि इस तरीके से आपको पूरा का पूरा काम करना है, इस तरीके से कानून बनाए जाते हैं जिसे हमें पूरी तरीके से सिद्ध कर सके, तो इस तरीके से एक दूसरे से मिलकर हम ये चीज़ें करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं जिसमें हमें बताया गया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र भारत में
अंतिम सर्वो मतलब जनता को प्रदान कर दिया जाता है कि जिसमें समूह का शासन नहीं किया जाता, अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है। तो लास्ट में जो भी डिसीजन लेती है वो कौन लेती है, यहाँ की जितनी भी जनता होती है वो लेती है। अब उसके बाद में डेमोक्रेसी मतलब डिवाइड टू ग्रीन वर्क, ग्रीन वर्क में मतलब किस तरीके से काम किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लोगों के लिए, उसके बाद में सत्ता के लिए इस तरीके से काम किया जाता है, जिनके पास जिनके जो अधिकार दिए जाते हैं। तो अधिकार कैसे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे आपको बताया गया है कि सबको अपना अपना काम दे दिया जाता है, जैसे कि इलेक्शन किया जाता है कि हाँ इसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, उसके बाद में इनको नेता बनाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्शन के बाद सबको अपनी पोजिशन दी जाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिस्टिंग। सोशलिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हम 1976 में 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के मतलब कि हम लोग मिलकर रह सकें, एक एक सोशल बना सके कि जिसमें डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे से जुड़कर अपने यहाँ पे जो भी मतलब असमानता है, जो भी यहाँ पर फैलाया जा रहा है, इकोनॉमिकल सोशल कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ों को दूर रखकर इक्वलिज्म में हम काम कर सके। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है, अब यहाँ पे सिक्योरलिज्म दे वो 1976 बाय 42 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट, जिसमें सिक्युलर, सिक्युलर का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो धर्म है वो अच्छे से मान सके, पर्टिकुलर रिलीजन जो आराम से रह सके, और भारत में राज्य नहीं बन सकता और कोई धर्म नहीं है जिसमें कि हम मतलब बीच में हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं नहीं, और नहीं धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन कर सकते, सब अपना अपने धर्म का पालन कर सके, जिसे धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन किया जा सकता है। तो उसको पूरी की पूरी फ्रीडम दी जा सकती है कि आप जिस धर्म के आप उसका आसानी से पालन कर सकते हो। ओके, चलिए आगे। अब यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो संविधान में सामाजिक भौगोलिक मतलब होते अलग रूप से जो उनकी परिस्थिति बताई जाती है उस तरीके से हम मतलब लिखित मतलब कि राइटिंग में वो चीज़ें दी जाती है। ओके, साइज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, साइज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब 22 सेक्शंस बनाए जाते हैं जिसके अंदर 395 आर्टिकल्स होते हैं, 8 नाउ 12 द कॉन्स्टिट्यूशंस कंपैरिजन प्रोविजन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस एंड स्टेट, तो रिलेशन, उसके बाद में फंडामेंटल राइट प्रिंसिपल्स पॉलिसीज वगैरह कर इलेक्शंस कमीशन इंस्टीट्यूशंस शेड्यूल है ना, तो ये सारी चीज़ें कर बनाया जाता है। अब देखिए सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि लोगों को अपनी सिटीजनशिप मिल सके, जैसे कि एग्जांपल फॉर की यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि जो बाहर के साइड में रहते हैं तो उनको यहाँ की सिटीजनशिप किस तरीके से मिल सकेगी, उस तरीके से लोगों को अपनी सिटीजनशिप मिल सके, वो जहाँ के रहने वाले जहाँ पे उनका बोन हुआ है। अब सेंट्रल विथ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर मतलब मजबूत केंद्र वाला संवाद तंत्र, मतलब कि हम किस तरीके से उसकी रुचि कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमको फर्स्ट पॉइंट बताया गया है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि 97 सब्जेक्ट दिए जाते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक टू फॉरेन, तो यहाँ पे जैसे बैंकिंग रेलवे कम्युनिकेशन पोस्ट टेलीग्राम आदि सारी चीज़ों इंक्लूड की जाती है कि जिसमें आप केंद्र सरकार अपना काम करती है। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे 66 सब्जेक्ट दिए जाते हैं कि जिसमें वो अपना काम किसमें, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो इस चीज़ में वो अपना काम करती है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, संयुक्त रूप से जिसमें 47 सब्जेक्ट दिए जाते हैं और ये अपना काम किस तरीके से करती है, जैसे कि यहाँ पे कानून के बीच में मतलब वाद विवाद चल रहा है, लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए लोगों को मतलब एजुकेशन लेवल, उसके बाद में इकोनॉमिकल प्लानिंग ट्रेड यूनियन, तो इन सब चीज़ों के लिए ये काम करती है। ओके,